हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 यानी होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज पर 2.2। फर्स्ट है हमारा फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इनका सम करना है बाय रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें देखिए हमें क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 837 प्लस 208 प्लस 363, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे ये नंबर है वंस टेंस, फर्स्ट नंबर देखिए 837 में वंस टेंस हंड्रेड, इसका जो फर्स्ट लेटर है यानी फर्स्ट जो है यानी वंस, ये सेवन इसका, और जो सेकंड हमारा है उसका भी फर्स्ट। तो सेवन और एट का हम सम करके देखेंगे, अगर टेन हंड्रेड या थाउजेंड आएगा तो फिर हम उन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे। अब देखिए सेवन और इस नंबर का 8 अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 15, तो हम ये दो नंबर ब्रैकेट में नहीं लेंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने फिर अगेन 7 प्लस 3, ये वाला 3, ठीक है, ये ऐड किया 7 और 3 ऐड किया तो क्या आया 10, यानी हम फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला ये हम एक ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया 837 प्लस 363 और 208 हमने बाहर ले लिया, इन दोनों का ऐड किया तो आ गया 1200 प्लस 208 आ गया 1408। ठीक है, सेकंड देख लिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में भी ऐसे ही करना है हमें 1962 प्लस 453 प्लस दिस प्लस दिस। इसमें भी हम ये देखेंगे, फर्स्ट नंबर देखा हमने, देखिए इसमें 2 है इसमें 3 है, 2 और 3 5, यानी हम इन दो को नहीं लेंगे। फिर चेक किया इसका 2 है इसमें 8 है, 2 और 8 कितना होता है 10, यानी इन दो लोगों को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, 1962 प्लस 1538। अब देखिए बाकी बचा ये सेकंड वाला और लास्ट वाला, इसका भी चेक कर लिया, अब 3 और 7 10 होता है, यानी इन दोनों को साथ में रखेंगे। मतलब हमें दोनों को ऐड करके देखना है, 10 100 या 1000 अगर आ रहा है तो उन दोनों को हम एक साथ रख के और ऐड कर देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यही रीअरेंजमेंट मैथड है। ठीक है, ये हमारा आ गया सेकेंड क्वेश्चन। देखिए देखिए वो उसमें ऐड था, इसमें प्रोडक्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें भी हमें उन दो नंबर को एक ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई, उसमें ऐड करना था इसमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा 10 100 या 1000 आए। तो देखिए इसमें, देखिए मैं 6 क्वेश्चन हैं इसके पार्ट, मैं इसके 3 पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, बाकी आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है देखिए 2 इंटू 17 68 इंटू 50। अब देखिए अगर हम 2 से 8 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 16 आएगा, यानी 10 100 1000 तो आया नहीं, तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे। अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 आ रहा है, यानी हम 2 और 50 को एक ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई 1768, इसका आ गया 100, इसको ऐसे ही उतार लिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को ये मेथड होता है रीअरेंजमेंट। एक क्वेश्चन इसका और देख लिए, बी पार्ट में भी ये देखें 4 × 166 × 25। पहले हमने 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 4 × 6 = 24, यानी इसमें भी 0 नहीं आया, तो हमने फिर 4 × 5 = 20, यानी हम 4 और 25 को एक साथ लेंगे। मतलब 0 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए। ठीक है, तो अब इनको एक ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया, 166 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं ये वाला नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी है, ऐसे ही ये वाला भी है। ठीक है, लास्ट वाला देख लिए, लास्ट वाला एक बता देता हूँ, जैसे एफ वाला पार्ट है 125 × 40 × 8 × 25। देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहले 125 और 8 क्या होगा, 125 और 8 देखिए इसमें, तो ये भी हम कर सकते हैं ना, 25 × 8 भी ले सकते हैं और 125 × 40 भी ले सकते हैं, लेकिन हम और छोटा हमें करना है, तो हमने क्या लिया 125 × 8, 5 × 8 = 40, 0 आया, तो हमने 125 और 8 ले लिया और एक ब्रैकेट में ले लिया 40 × 25, क्योंकि 25 फोर द 100 होता है और 0 ऑलरेडी है, तो 1000 और 1000। तो सिंपल बस हमें ये चेक करना है, जिससे मल्टीप्लाई करें जिससे 0, 10, 100, 1000 आए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए रीअरेंजमेंट के। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या है, इसमें वैल्यू फाइंड करना मतलब इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी है ऐड भी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया 290 पहले क्वेश्चन उतार लिया। अब इसमें देखिए हमेशा आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए इन क्वेश्चंस में जिसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों हो, उसमें क्या होगा, एक नंबर कोई कॉमन होगा। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, मतलब दो बार आया होगा 297, ये देखिए 297। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 297 हम बाहर ले लेंगे,
मतलब कॉमन ले लिया हमने 297, एक बार लिख लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब देखिए इन दोनों नंबर में 297 तो हमने बाहर ही ले लिया, ये बचा क्या 17, तो हमने यहाँ अंदर ब्रैकेट में 17 लिख दिया। 17 के बाद प्लस लगाया, हमने प्लस नोट कर लिया। अब इन दोनों में हमने देखा 297 तो ऑलरेडी हम बाहर ले ही चुके हैं एक बार, तो 297 छोड़ के क्या बचा 3, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया, अब ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, इसमें ध्यान रखें, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। 297 कॉमन लिया, अंदर 17 प्लस 3, ठीक है, अब अंदर एडिशन है तो उसको ऐड कर दिया और फिर बाहर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला है, देखिए ये भी सेम है, ठीक है, मैं सी वाला समझाता हूँ, बी भी यही है सेम, मैं सी वाला समझाता हूँ। देखिए सी में क्या है, 812625 × 169 − 812625, देखिए इसमें भी कॉमन है, देखिए बी वाले में भी ये नंबर कॉमन है, 54279 54279, ठीक है। देखिए अब इसमें ये 812625 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, इतना करना है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में हम 812 वाला तो बाहर ले चुके हैं, बचा क्या 169, ये लिख दिया, माइनस साइन लगा तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो प्लस लगाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, प्लस लगा था तो हमने फर्स्ट वाला लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, अब माइनस है तो हमने माइनस लगाया, ठीक है, 169 माइनस। अब इन दोनों में फिर देखिए 812625 तो बाहर ही लिखा हुआ है, तो बचा क्या 69 − 69, अब हमने क्या किया 812625 मल्टीप्लाई, अब इनको माइनस कर दिया अंदर, 169 से 69 गया, 100 बचा, अब मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें देखिए इसमें भी देखना हमको, इन क्वेश्चंस में जिसमें भी मल्टीप्लाई और ऐड एक साथ आया उसमें हमें देखना कॉमन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़े, 3845 × 5 × 782 + 769 × 25 × 218, अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 5 इधर है, इधर 25 है, अगर हम 25 को 5 × 5 में ब्रेक कर दें तो ये कॉमन आ जाएगा ना, तो हम सबसे पहला यही काम करेंगे, 3845 ये पूरा ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 769 × 25 को हमने ब्रेक कर दिया 5 × 5 में, ये ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, × 218। उसके बाद अब हमने देखा, फिर हमने एज इट इज़ ये उतार दिया, 3845 × 5 × 782, ठीक है, प्लस अब हमने क्या किया, एक जो 5 था उससे इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आप जब ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया, ठीक है, इसलिए किया, देखिए अगर 5 9 = 45 और ये कुछ 45 ही फॉर्म में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इसलिए ये मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो 5 ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये दूसरा वाला 5 और 218। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, 3845 × 5 3845 × 5, ये पूरा कॉमन है, ये कॉमन बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई लगाया, अब ये 3845 × 5 तो बाहर ही आ गया, तो बचा क्या 782 प्लस 3845 × 5 तो कॉमन ही आ गया बाहर, बचा क्या 218, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 1000 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में देखिए क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी, 738 × 103, देखिए इसमें हमेशा क्या करेंगे हम, जो हमारा 103 104 इस टाइप में दिया होगा उसको चेंज करेंगे, जैसे 738 को हमने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, 103 को हमने 100 + 3 में चेंज किया, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, जो बाहर लिखा हुआ 738 है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से 738 × 100 प्लस के नीचे प्लस, फिर 738 × 3, ठीक है, इस 738 से इसको मल्टीप्लाई, फिर 738 से 3 को मल्टीप्लाई। अब क्या किया, अब इनका मल्टीप्लिकेशन किया, ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, ये आया, फिर ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे बी में देखिए हमने क्या किया, अब ये वाला मैं बी पूरा नहीं समझाऊंगा, 102 को मैंने क्या चेंज कर दिया 100 + 2 में, फिर सेम प्रोसेस ऐसी है, ठीक है। सी वाला देख लीजिए, सी में क्या है 25 × 1008, अब 1008 में क्या करेंगे 1000 + 8 कर देंगे, ठीक है, 25 × 1000 + 8, ठीक है, अब वही करेंगे 25 को 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 25 को 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ एक जीरो मिसिंग है, ठीक है, 1000 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 25 × 1000 + 25 × 8, फिर ये मल्टीप्लाई करें, ऐड करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी देखिए 1005 है तो 1000 + 5 कर दिया और 168 को वैसे ही मल्टीप्लाई, ये बस आगे पीछे लिखा है, ठीक है, ये 25 × 1008 है, ये 1005 × 168, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1005 ही को हम चेंज करेंगे, 168 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर ले आएंगे। नेक्स्ट
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल मंडे। देखिए जो भी कह रहा है फर्स्ट लाइन हमने नोट कर ली, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक 50 लीटर पेट्रोल, नेक्स्ट डे वो कितना पेट्रोल फिल कराता है 50 लीटर, ये नोट कर लिया। अब कह रहा इफ पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, यानी एक लीटर की कॉस्ट कितनी 44, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल ऑन पेट्रोल, कितना वो खर्चा करता है, ठीक है। टोटल अब हमें टोटल पेट्रोल निकालना पड़ेगा, 40 हमारा इतना है मंडे को, नेक्स्ट डे हमारा 50, टोटल हमने पहले पेट्रोल निकाल लिया 90 लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट हमें पता है 44 है, तो 90 लीटर की कॉस्ट क्या होगी, 44 इंटू 90 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने उसी मेथड से किया जैसे पीछे अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन, 90 को हमने क्या चेंज किया था 100 माइनस 10, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 100 माइनस 44 इंटू 10, ठीक है, फिर 44 इंटू 100 ये आ गया, 44 इंटू 10 ये आ गया, माइनस कर दिया, इतने रुपये पेट्रोल हमें खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। एक वेंडर है जो सप्लाई करता है मिल्क, देखिए मैंने नोट कर लिया, सप्लाई ऑफ मिल्क मॉर्निंग में कितना 32 लीटर, इवनिंग में 68 लीटर। कह रहा है इफ द मिल्क कॉस्ट ऑफ 15, सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह जैसे वो पेट्रोल का था, सेम क्वेश्चन है, एक लीटर की कॉस्ट दे दी है, पूछ रहा है कितनी, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम ऐड करेंगे 32 प्लस 68, टोटल हमने देख लिया कितना मिल्क है 100 लीटर, वन मिल्क की कॉस्ट कितनी 44, ठीक है, तो 44 से फिर ये गलत लिखा हुआ है, ये लाइन गलत है, ठीक है, ये मिस्टेक है, कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क नहीं है, ठीक है, वन लीटर मिल्क की कॉस्ट 15 है, ये धोखे से लिखी है, ये मत नोट करिएगा आप, कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क 15 है, ठीक है, और हमारे पास कितना लीटर है मिल्क 100 लीटर, तो 100 लीटर से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1500, ठीक है, ये लाइन ना नोट करिएगा आप लोग, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क कितनी है 15, तो 100 लीटर की कितनी हो जाएगी 15 इंटू 100 यानी 1500 रुपीज़, तो क्या हमने आंसर लिख दें, देयर फोर 1500 रुपीज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, देखिए फर्स्ट वाला क्या है 425 इंटू 136, ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है इसको हमें क्या करते हैं 425 ऐसे ही लिखते हैं, 136 को 100 प्लस 30 प्लस 6 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये मल्टीप्लीकेशन की है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या है दोनों देखिए सेम है, 249 50 250, सिर्फ क्या है 49 और 50 जो है आगे पीछे नंबर दे दिया, ये यहाँ पहले 49 दिया, यहाँ बाद में 49 दिया, यहाँ बाद में 50 दिया, यहाँ पहले 50 दे दिया, ठीक है, तो ये लिखते सेम है, ये क्या कहलाती है कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट ये है 80, इसमें भी ये आगे पीछे नंबर दे दिए, देखिए 2005 प्लस 20, इसमें 20 प्लस 2005, बाकी सब सेम नंबर है, तो ये कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है और ये कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं और जो चैप्टर्स हैं वो मैं बॉक्स जो हमारा लिंक है सारा वो हम इसमें डाल देंगे, आप इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।